यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर जगह पे इस समय अगर देखा जाए तो सिर्फ चुनाव को लेकर ही चर्चाएं चल रही हैं। वहीं अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो ठंड का माहौल है, लेकिन फिर भी चुनाव के चलते गर्मियां तेज नज़र आ रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की विधानसभा धौरारा क्षेत्र में। यहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विनोद शंकर अवस्थी, जिनको लोग विनोद धौरारा के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो रणनीति है, कैसे जनता के बीच जाएंगे, किस तरह वो फिर से एक बार बहुमत की सरकार यूपी में बनाएंगे। विनोद जी, आपका स्वागत है बीकेएच न्यूज़ में। आप बताइए कि आप यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं धौरारा से बीजेपी से, तो क्या रणनीति रहेगी, क्या समीकरण है और किस तरह से आप पूर्ण बहुमत इस बार फिर लेकर आएंगे यूपी में? भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गरीबों का घर अनाज से भर गया है। प्रत्येक गरीब को मंथली पैसा भी मिलता है तथा अनाज भी मिलता है, चना भी मिलता है और रिफाइंड भी मिलता है। लगभग हर चीज़ उसे मुहैया हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का क्रेज है कि जहां हम वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मैंने नमक खाया है, मैं वोट क्यों नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लखीमपुर खीरी से 8 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। अगर विपक्षी सरकारों की बात की जाए तो जो सरकार को एक मुद्दा, उनका जो प्रमुख मुद्दा बनाए हुए हैं कि गायों को लेकर, कि गाय किसानों का खेत चर, इस वजह से जो है किसानों को काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर आप इस बार विधायक बनते हैं तो अपनी विधानसभा में क्या उनके लिए, गायों के लिए क्या प्रबंध कराएंगे? गांव-गांव में गौशालाओं की व्यवस्था की जाएगी तथा उसकी जिम्मेवारी प्रधान की होगी और हम सभी लोग ग्रामवासी भी उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सरकार हमारी है, समस्या भी हमारी है,